नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। आमला हसलपुर स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय आंवला में नवनियुक्त जनभागीदारी अध्यक्ष मुक्ता ढोलेकर का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। महाविद्यालय आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर भाजपा वरिष्ठ नेता मुकेश खंडेलवाल, विधायक योगेश पंडाग्रे, मंडल अध्यक्ष रामकिशोर देशमुख, चिरौंजी पटेल शामिल हुए। आपको बता दें, मुक्ता ढोलेकर पूरे प्रदेश में सबसे कम उम्र की अध्यक्ष बनी है। उनके द्वारा छात्र हितों को प्रमुखता से उठाना और उनकी कार्यशैली की वजह से उन्हें इस जिम्मेदारी से नवाजा गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा नेता मुकेश खंडेलवाल द्वारा सभी छात्र छात्राओं को नई तकनीक के बारे में बताते हुए कहा, आप सभी अपडेट रहिए और नित्य नए आयाम हासिल करें। विधायक योगेश पंडाग्रे द्वारा छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा है कि इस परिसर में राष्ट्र निर्माण करने वालों की इबारत लिखी जाती है। मुक्ता भी अपनी योग्यता से इस पद की हकदार रही है। पढ़ाई के साथ बच्चों ने रोजगार के लिए कौशल भी प्राप्त करते जाना चाहिए। इस परिसर में आज जितनी छात्राएं बैठी हैं उनका भी हौसला बढ़ेगा। इस कार्यक्रम में नगर से प्रदीप ठाकुर, राजेश पंडोले, राकेश धामोड़े, लिखिराम साहू, जीतू बेले, अशोक झा, सुषमा नरवरे, गीता ढोलकर, अंबिका सावले, दीक्षा सुरजेकर, जयकिशोर ढोलेकर, महाविद्यालय के प्राचार्य पीके मिश्रा, प्रोफेसर चौहान मौजूद रहे। प्रोफेसर डोंगरे द्वारा कार्यक्रम के अंत में सभी का आभार माना। हमारे महाविद्यालय में पधारे माननीय विधायक डॉक्टर योगेश पंडाग्रे जी, वरिष्ठ नेता मुकेश खंडेलवाल जी, मंडल अध्यक्ष रामकिशोर देशमुख जी, चिरंजी पटेल जी, जितेंद्र बेली जी, सभी महिला मोर्चा की बहनों, युवा मोर्चा के सभी भाइयों व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता, सभी पत्रकार बंधुओं व महाविद्यालय के सभी शिक्षकगण, सभी को मैं नमन करती हूँ। मैं आप सभी को बता दूं, मैं इसी महाविद्यालय की छात्रा हूँ। जब इस महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हुए थे तब इस महाविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष भी बनी। 2017 से लगातार मैंने छात्र हितों के लिए काम किया। विद्यार्थी परिषद ने मेरे काम को देखते हुए मुझे अलग अलग जिम्मेदारी दी, जैसे नगर छात्र प्रमुख, जिला छात्र प्रमुख, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य व विभाग छात्र प्रमुख। ऐसे दायित्वों का निर्वहन भी मैंने किया है। अब मुझे इस महाविद्यालय में जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष के लिए नियुक्त किया है। अभी आप सभी के सामने बहुत सी संघर्ष और चुनौती है। ऐसा नहीं है कि मेरे संघर्ष और चुनौतियां खत्म हो गई, अब तो शुरू हुए हैं। लेकिन उन सब से लोहा लेने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। साथ ही मुझे नहीं लगता कि मैं अपने सनातन अनुजों को मार्गदर्शन दे सकती हूँ, क्योंकि मैं भी अपने आप जैसे ही विद्यार्थी हूँ। जैसे आप इस महाविद्यालय में जगमग सितारे की तरह रोशन हो रहे हैं, वैसे मैं भी इस महाविद्यालय में बैठा करती थी आप सभी के जैसे। आप सभी के आशीर्वाद व सहयोग से मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं सबके सहयोग से विकास कार्य करूंगी। छात्रों के हित में फैसले लिए जाएंगे, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होगा। जो विद्यार्थी का पैसा है उसका सदुपयोग विद्यालय के कल्याण के लिए होगा। वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय का नाम पूरे जिले में नहीं पूरे प्रदेश में रोशन होगा, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। मैं यहाँ आए हुए सभी अतिथिगण, माननीय विधायक महोदय जी व पूरे शिक्षकगण, मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी ने मुझे इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया और आप सभी से मुझे प्रेरणा मिली है। जिसमें यहाँ जगह खड़ी हुआ आप सभी की बदौलत है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। थैंक यू। आमला से खबर समय जगत के लिए हरिप्रसाद गोहे की रिपोर्ट।